जो ही सैदों के मोहल्ले से निकले तो मेन रोड के ऊपर अचानक उनके ऊपर पथरावबाजी की, उनको तलवारों से इनसे काफ़ी मारा कूटा, लकड़ियों से मारा उनको। जितने भी रात भर हमने जहाँ जहाँ हमारे कावड़ यात्री जो बक के कई गाँव में चले गए थे उनको लाके एक जगह उनके परिवार वालों से मिलाया, और अभी हमने कह दिया पुलिस वालों को कि जो पहले भी हमारा जो 124 का जो राष्ट्रद्रोह का जो इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे उनमें 32 आदमी नाम जाते, उनमें 11 को ही पहले अरेस्ट कर पाए थे, बाकी बाकी बचे हैं उनको अगर पहले अरेस्ट कर लेते थे प्रॉब्लम नहीं आती, बाकी उनको भी अरेस्ट करने के लिए हमने पूरा प्रेशर बना रखा है भाई, किसी कीमत में जो दोषी है उनको तुरंत अरेस्ट करो। यहाँ कलेक्टर साहब SP सारा पूरा प्रशासन लगा हुआ और बहुत जल्दी इसके अंदर रिजल्ट देंगे जो दोषियों किसी कीमत में बख्शे। मैं अपील करता हूँ कि आप लोग शांति रखें, सद्भाव रखें, तनावपूर्ण स्थिति है परंतु आप लोगों के सहयोग से जल्दी हम इस पर काबू पा लेंगे। जो हिंदुओं पर हमला हुआ है ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, शर्मनाक घटना है। आज हमारे धर्म पर मालपुरा में जहाँ भी देखो वहाँ कुठारघात होता है, प्रशासन इसमें आंखें मूंद करके बैठे रहते हैं, प्रशासन वाले कुछ नहीं करते हैं, और ये कब तक हम सहते रहेंगे, हिंदू कब तक सहते रहेंगे। आज किनके लगी है बिना बात का जो है पत्थरबाजी करना, तलवारबाजी करना, चलाना, ये हमारे जो है कावड़ियों को मारना, ये कब तक चलता रहेगा, हिंदुओं में कब तक ये सहते रहेंगे हम लोग। मैं मांग ये करता हूँ कि इनका इलाज हो, जिनके खिलाफ जिन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का आह्वान होना चाहिए।